समुद्रों ने आया था घर उसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे शोहर को खुदा के लिए बाजियाब करो, अगर उसे कोई गुनाह भी किया है उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि ये अरगर की कहानी है, ये दर्द ये गर्व हमारे हर घर में, हर खवातीन बूढ़े बच्चों या बुजुर्गों पे गुजर रहा है। जब कोई फैमिली यहां आकर अपने दर्द और गर्व का इजहार करता है तो यकीन जाने कि बैठे हुए सब माँ भाई बहने उनके आंखें नम हो जाती हैं। हम यहाँ पे एक दिन मुजाहरा करके चले जाते हैं, लेकिन ये माए ये बहने बेटियां 365 दिन इस दर्द में मुब्तला हैं। अभी हमारे इस दर्दे में एक ऐसी खातून मौजूद है जो इंतहाई गरीब है, गुर्बत से गुजर रही है। वो मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगकर किराया जमा करके क्वेटा आती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने गुमशुदा बेटे के लिए आवाज उठा सके। रियासत को ऐसी चीजें नजर नहीं आती कि एक माँ कितनी मजबूर हो जाती है, एक औरत अपने शौहर के लिए कितनी मजबूर हो जाती है, एक बच्ची जिसने 9 साल से अपने बाप का चेहरा नहीं देखा उस पर क्या गुजर रहा होगा। अगर आप हमें इतना मजबूर करते हैं कि हमारी एक माँ भीख मांगने पे मजबूर है तो आपका हाल भी हमारे सामने है। आप भी कशकोल लेके दर दर पे भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इंशाल्लाह आपका हाल इससे भी बुरा होगा कि आप हमारे इन माओं और बहनों को रुला रही हैं। अब मैं अकबर मरी की बेटी को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर की बेटी हूँ। मेरे वालिद को 14 सालों से लापता किया गया है। इसका मतलब है कि 26-27 ईद हो गए कि मैंने अपने वालिद के बगैर गुजारी है, और आज तक मुझे इस ईद का मतलब नहीं पता कि ईद किसको कहते हैं, क्या पता है किसको कहते हैं। शायद खुशी कहते हैं और खुशी घर वालों से मिलती है, जिनको आप लोगों ने हमसे चीन लिया है, और हमसे चीन लिया है कि हम अपने वालिद के साथ रहे। इतने साल हमने अजियत में गुजारे हैं, कितने घर है, हजारों घर है आज जो मातम गुजारे हैं, मातम है सिर्फ पाकिस्तान रियासत की वजह से। इस रियासत को क्यों समझ में आती कि हम जिस अजियत में गुजर रहे हैं कल ये अजियत आपको भी आ सकती है। और मेरे वालिद को बाजियाब करें जो जिसने कोई भी गलती नहीं की है, उस गुनाह को काट दे, उस गुनाह की सजा काट दे जो उसने की ही नहीं है। मेरे वालिद को बाजियाब करते हैं। अब मैं असलम शाह की बेटी को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बस फैमिली के तवर की सो ना 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 फैमिली सकती ना बस वही देना दे तो मुर्रम में सुनो गा रहा हूँ। ये पारिक मामा है, अम्मा नहीं सारा फोर कर कैसा रहता हूँ अम्मा अम्मा बाबा
ये ऐसा कर्म या दर्द है जो नाकाबले बयान है कि एक माँ बात करते हुए, एक बेटी बात करते हुए आपे से बाहर हो जाती है या बेहोश हो जाती है। ये दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसपे इस वक्त बीत रही है। हमें जिस तरह इस तकलीफ में मुब्तला किया है, अगर हम और कुछ नहीं कर सके तो दिन रात आपको बदवाएं देते हैं कि आप भी इसी तरह इसी दर्द और इसी तकलीफ में मुब्तला होंगे। आपने लापता नेमत बलोच की वालदा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बस कहो नेमत बलोच की वालदा अगर मौजूद है तो लापता फारूक बलोच की वालदा भी इस एहतजाज में मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता फारूक बलोच की वालदा मुझे चुनाव चिंकू चिंकू पिंकस
ನಮ್ಮ ಕಸರ ತುರಿನ ಇದ್ಮರಿ ಗಿನಲೋನ ಕಸರ ಅವರಿನ ರೂಚಮರಿ ಇನ್ನಲೋನ ಕಸರ ಅವರಿನ जिंदगी दुनिया हमारे इस धरने में ऐसी फैमिलीज हैं जिनके प्यारे नौ नौ दस दस सालों से लापता हैं। आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर हमारा प्यारा कोई एक घंटा भी कहीं से आने में लेट हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितना सोचते हैं उसके बारे में कि पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा होगा या उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन जिस खानदान से कोई शख्स 10 सालों से लापता है और हमें पता है कि वो बेगुनाह है और हमें ये भी पता है कि उस पर क्या जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, तो आप उन माओ या बहनों की हालत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। अब मैं सईदा बलोच से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने भाई के लिए बात करें। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में दाद मोहम्मद बलोच की बहन भी मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। السلام علیکم کنال مغا ایلو نما باز می ربانی اینو نم داڑ بسنوری ننا عیدتی ننا غمتی شامل بسنوری ای تاج بق بلو چیت کنی موت تکری عبدالوائد کر داد نامت کرنا ایلو ای امو بد قسمت ایلو 15 سال کنا ایلو کی ای رو داتیا در پدر ای داکتی نا کیوے ایدنن زندگی برباد کنا اینی ای کنا لمن اینی ای ایران و جوان نا ایڈ زیود ایدانی رولنگ اٹیود
ساتیا تو سونی اموتیا پیف کینگوٹ پیشتا موراتیا پینا بابو تالو نایت تو سولیگو تالو نایتا زندگی اوپو آمار گدرینگی نمی تو اسیدری از معلوم مرے کئی دانا کی دائید روٹا تے رولیگو مگا دائید پاندہ سالی عید اچت پر دائید پاندہ سالی شادی خوشی اچت پر دائیدم نوراتی اینو اس کان خامان بغیر خوشی اوراتی بتانی اگر اوراتی خوشی از برے اندو دنیا خانک دی دوراتی ماتان از مسونی دوراتی فوتگی از مسونی اندو نوغی گم اوراتی مریک امو لومغاد امو ای خوشی ایچ کی پس ہے اللہ اتنا من نبو اسے ہی اندمیا فریاد کرنگی اسے ہی اندمیا فریاد کرنگی دا ہی رکی بابو سلے گو کنا ایلوما دا ظالمان کنا ایلوم کی چھوڑائے گو پیدا کبو اتبو ای نیاری اسے اوٹ ای مجبور اوٹ ای فدرا سالتی ار کنڈ آئینا ار جاگہ فریاد کرے کنا فریاد ایچ بنتا اللہ ننا مدد دی نانی ظالم نی ایچ کا پیسے تاکر نارنگ نا قربان آرین او نن تو سلو کی انسان ہے نن سلو کن نن بلوچون نن تینا بلوچی کبھی بدل کا پن ہے نن کہیں تین اس کان انسان خان ہے بلوچون 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 بلوچ خیرتی و قوم سے تیرم تینا کسری بش مفق اٹھا انکک تینا کسران شکریہ ان میں پاوے کنائید لومغاد ار وقت نم پیش نمو جد و جہاد کبو تینا ایلوم تیکی تینا باواغا تیکی آخر نانی اللہ اسی کسار اسی توی نان آخر انصاف اسی دیز نان کی مروی اگر نان تو دا ظالم ایچ کتا اگر نان تو کس انصاف کتا اللہ نبی توارو لکسی نانا پدرا سال نخری کتا بدل دا ظالم توی اسی دیز رو دا اونام بچونا گرلور ایر گرلور اندوں کی نانے رولی فینی اللہ ادم رولی فین Thank you. Shukriya. Itina. Itina. Luma ate. Da. Bawar karifin khwaiwe. Ki da. Jodati. Da. Mushkilinga waktati. Numtani afere. بلوچستان نا ایلوم نم تو ار مشکلیں گا وقت تھی سلو کو اگا ایلو نن سادا نا تادا دتیون کنے امید دے برو کا دے نن ازار مرون اور ازار اتا کافلتی نن نم تو ہمیشہ آوار سلو کن ننے نما درد نا نما تکلیف نا احساس مریک ارا نما ایلوم تے درے نو ننم نما ایلوم کن اور نم تو ہمیشہ سلو کن اب میں دعوت دیتا ہوں سعیدہ بلوچ کو کہ وہ آکے اپنے خیالات کا اظہار کریں جن کے دو جوان سالہ بھائی کئی عرصے سے لاپتہ ہے آپ ان کی آپ بیتی ان کی زبانی سنیں کہ کس طرح ار احتجاج میں شامل ہوئی ار دھرنے میں شریک ہوئی ار کمیشن کے سامنے پیش ہوئی مختلف جج اور خفیہ اداروں کے نمائندوں کے سامنے پیش ہو کر اپنے بھائی بھائی کی بازیابی کے لیے اپیل کی لیکن اب تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا بہت بہت شکریہ شاید ایک مسنگ پرسن کی فیملی 365 دن میں ہر ایک دن 365 دفعہ سے زیادہ مرتی اور جیتی ہے اس امید میں کہ وہ بچے جو لاپتہ کیے گئے گھروں سے یونیفارمز کے ساتھ وہ زندہ سلامت استے کے تھے واپس انہی گھروں کو واپس ہوں گے میں بلوچ قوم کی وہ بدنصیب ماں ہوں
वो बदनसीब बहन हूँ जो पिछले 3 सालों से अपने भाई और भतीजे को ढूंढते हुए पाकिस्तान के अंदर कम से कम उधर नहीं बचा कि जैसे मैं कहूँ कि अब तक मैंने उसे नोट नहीं किया, उसे चेक नहीं किया कि जहां से मुझे कोई उम्मीद की एक किरण नजर आए। लेकिन कुछ नहीं होता। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो वुमेन राइट्स की बात करता है। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो चाइल्ड राइट की बात करता है और उसी के अंदर बैठे हुए असेंबलीज में भी इस तरह के बिल पास होते हैं। लेकिन बात जब आती है बदनसीब बलोच की, तो उस वक्त ये डिक्लेरेशन, ये बिल, ये एक्ट सब दरे के दरे रह जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल हमें नजर आती है इस्लामाबाद के मार्च के अंदर कि जहां मेरी मासूम बेटियों के, बहनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं, उन्हें लातों से, टुटों से मारा जाता है। और उस वक्त यूएन एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंटरनेशनल या नेशनल, वो सारे अंधे हो जाते हैं, अपने आंखों पे काली पट्टियां बांध लेते हैं उन्हीं कोर्ट्स की तरह, जो कि ये कहता है कि मैंने ये पट्टी बांधी है सब देने के लिए, लेकिन वो बहरा और अंधा बन जाता है बलोच के लिए। मैं वो बदनसीब बहन हूँ कि जो कमीशन के अंदर, जीआईटी के अंदर मौजूद होती हूँ। मैं वो बदनसीब बहन हूँ कि जिसे जीआईटी के अंदर इन्हीं ऑफिशियल के जरिए अरेस्ट किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा इंसाफ है कि चोर आपको बिदा के ये कहे कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा गुमशुदा इंसान कहाँ है। एफसी वाले, चाहे कोई एजेंसी वाले, चाहे ह्यूमन राइट, जितने भी ये 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलायंस बनता है, आप मुझे ये बताएं कि उनमें से इंसाफ देने वाला कौन है कि जिसका गिरेबान पकड़ के हम पूछ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी जमीन के अंदर एक सो कॉल्ड इलेक्शन होता है कि जहां पर एक खेल खेला जाता है फॉर्म 45 और 47 का, इन्हीं रोडों के ऊपर वही लोग जो सीधा तान के खुद को कहते हैं, वही लोग बैठते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन आज साशोभी महफिल के अंदर वो मुझे नजर नहीं आते। आप मुझे ये बताएं कि हम इनसे क्यों ना पूछें। सरफराज मुफ्ती जैसा इंसान, जान अचक सही जैसा इंसान, मैं तो ये कहती हूं इनके नाम पे सिर्फ एक शेम बहुत कम है। मैं तो कहती हूं कि इन ट्रस्ट को चाहिए कि अपने नामों में इन कबीलों को बदनाम न करने के लिए ये नाम न लगाए। आज आप कम किया देते हैं, हमारी बहनों को नौकरी से हटाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इनकी जुबान बंदी की जाए। जबकि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस माई इंडिविजुअल राइट के, जहां मैं खड़े होकर आपसे सवाल करूं कि मेरे साथ जो गलत होता है आप उसका जवाब दें, उस वक्त कहां जाते हैं ये लोग? आप एक टिकटॉकर बच्चे को गोद में बताकर सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त आप एक मां के लिए अंधे हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन तमाम लोगों को। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी कि वो तमाम लोग जो कि इस गुनाह में शरीक है, बलोच कौम उनका एहतसाब करेगा। और बलोच कौम उस वक्त एहतसाब लेते हुए ये नहीं देखेगी कि वो पठान है या बलोच है या कि कोई नॉन बलोच जो कि इस जमीन का बाशिंदा नहीं है लेकिन इस एहतसाब का हिस्सा है। कितना करेंगे आप? 14 साल, 15 सालों से यहां फैमिलीज बैठी हुई है। आसान है एक खानदान के लिए यहां बैठना? इस रोड के ऊपर होते हुए हमारे सर से उनकी वरासत छीन ली, कितना करेंगे आप? आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये मैं बता रही हूं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब आपसे बलोच कौम लेगी, बलोच कौम का ये बच्चा लेगा। आज मेरे साथ सजाद का बेटा आया हुआ, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि तुम बात करो, सिर्फ वो सर हिलाता है कि मैं बात नहीं कर सकता। वो तो अपनी तकलीफ तक नहीं बता सकता कि पिछले साल 3 सालों से वो किस तरह से गुजर रहा है।
और क्या करेंगे आप लोग? मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं इस तकलीफ को बयान कर सकूं। कुछ भी नहीं छोड़ा आपने हमारे पास सिवाय नफरतों के, और हमारे पास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ से नफरत है। हमें बाकायदा ऑफिस में अरेस्ट किया जाता है, बाकायदा आपके बंदे आपके ट्राउट्स वहां आके हमें विजिट करते हैं, हमसे सवाल जवाब करते हैं, और वहां भी उनको मैंने यही कहा था और आज सर महफिल में यही कहती हूँ कि जब आप ये बातें सुनना नहीं चाहते तो खुद इंसाफ करें और कुछ ना करें, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी तरह करें। लोगों को लेके आए अदालतों में, लेकिन इन्हीं अदालतों के अंदर आप बालाज को भी लेके आए और उसके बाद उसकी लाश तोहफे में दी आपने नजमा को। तो मुझे ये बताएं कि हम किस लिए रो रहे हैं कि जहां आपको अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से मुझे बताया जाए वो कौन सा दर, वो कौन सा दरवाजा है कि जिसे मैं कटकटाऊं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस जुल्म, इस बर्बरियत को बताने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो खामोशी है, उस खामोशी की एक बड़ी वजह हम खुद भी हैं। हमारे अंदर जितने भी फ्रिक्शन है वो जब तक खत्म नहीं होंगी, हमारा एक यूनाइटेड वॉइस नहीं होगा तब तक शायद हम बावर ना करा सके। आज सो कॉल्ड सीएम साहब कहते हैं कि सिर्फ ये 100 बंदे हैं जो कि मिसिंग है। चले हम मान लेते हैं 100 बंदे हैं, वो 100 बंदों का तो हिसाब दें कि वो 100 बंदे जमीन का गया कि आसमान का गया। आज जाना जैसे ही अपने ही ट्विटर अकाउंट के ऊपर पेजेस देके बाकायदा हैरेसमेंट करते हैं, क्या भाई मुझसे पूछेंगे ये स्टेट के खिलाफ बोलते हैं? तो किसने बात की है स्टेट के खिलाफ? हम तो ये कहते हैं कि आप अपने स्टेट को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद इज्जत दें, आप उसे इज्जत दें और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करें। आप खुद ही वो लोग हैं जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बूटों तले लताड़ कर गुजर रहे हैं। उसे बेइज्जत करने वाला एक आम बलोच माँ बहन बेटी भाई नहीं है, उसे बेइज्जत करने वाले आप खुद हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी इज्जत हो तो आप कम से कम उस पर अमल तो करें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास जितने भी लॉज मौजूद हैं, किसी भी स्टेट के खिलाफ किसी भी लेवल पे जाके टेररिज्म के जरिए, किसी भी जरिए से वो आपके स्टेट एंटी स्टेट किसी एक्ट के अंदर है, किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा है, लेके आए उसे और सेवर करें उस बंदे को। जहां मेरे बच्चे का केस लगेगा मैं वहां जाके बैठूंगी, ना कि यहां बैठूंगी। आप में इतना मॉरल करेज होना चाहिए जिसे आप साबित कर चुके हैं कि आपकी कोई मॉरलिटी नहीं है, ना आपके लॉस है, ना आपने कोई मॉरल करेज है। अगर होता तो सालों से केस पेंडिंग ना होते। हैरत होती है मुझे इस तरह के स्टेट में, इसके लॉस में, इसके सिस्टम पर। आज जहां इकोनॉमिकली आप खत्म हो चुके हैं, आपका सारा जोर बलोचिस्तान के रिसोर्सेज को लूटने तक है, आपका जोर एक आम बलोच मां को तकलीफ देने के लिए है। आज आपका तमाम जोर फेक एनकाउंटर्स के ऊपर है कि जहां आपका दस तरस नहीं पहुंचता वहां आप इन्हीं मिसिंग पर्सन में से लोगों को उठाकर मारकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और फैमिलीज को मजबूर करते हैं कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा एक दहशतगर्द है। हम क्यों इस तरह लिख के दें? वो बंगाल जिसे घर के सामने से यूनिफॉर्म्स के अंदर आप उठा के ले जाते हैं और उसके बाद आप फैमिली को मजबूर करते हैं कि तुम लिख के दो कि मेरा बेटा एक मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा है। शर्मानी चाहिए इस स्टेट को, शर्मानी चाहिए इसकी पॉलिसी मेकर्स को, शर्मानी चाहिए उन तमाम लोगों को, उन तमाम इदारों को जो कि इसका हिस्सा है। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी, वो सो कॉल्ड इस्लामिक सिस्टम जिसकी आप बात करते हैं उसके हिसाब से भी आपकी राइट नहीं है कि आप इस तरीके से एक माँ के एक बहन के जज्बात के साथ खेलें। डरे उस दिन से जब आपके बच्चे आपके घरों से गन पॉइंट पे उठाए जाएंगे,
सिर्फ आपको ये जायका देने के लिए कि एक माँ क्या महसूस करती है जब उसका भाई उसका बेटा उठाया जाता है। आपको डरना पड़ेगा, वो दिन शायद दूर नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये बच्चे उठाए जाएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि 3 सालों से 10 सालों से 15 सालों से जो लोग सड़कों पे बैठे हैं वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। सजियत ये अजियत जितना बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से नफरत बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से हमारे लफ्ज हमारे एक्ट तल होते जाएंगे और फिर आपके लिए शायद होना नामुमकिन हो। शायद अभी भी आपके पास वक्त है कि आज इन्हीं सड़कों पे बलोच ये समझ रहा है और बैठा हुआ है अपना टुकड़ा। अब मैं एहतजाजी मुजाहरे को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल वाहिद कुर्द और अब्दुल रहमान कुर्द की बहन इस एहतजाज में शरीक है, उससे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मोहम्मद आजम की वालिदा मौजूद है, मोहम्मद आजम नलुम नंद साड़ी ये ओडम पास्ते के ऊपर नुमामोना सुनाई जाते के शुक्रिया
नला बंदना के नला चुना के पूरा बलोची आजाद कबो से बर्बाद सब कबो के चुनम बर्बाद मरे लेकिन जाने वालों चाके बर्बाद हो गए वाओ इनके इन करेगी अंते करीब इसकी राजा तुम करने न छोड़े ओ तो बाबा को सलमा वाग लोटा से जिया फौज करने न छोड़ो ओ तो दाएं न छोड़े ओ तो इलोवन में अर्ज कुशुर करें हो अर्ज कुशुर जाल न लगन कर के पास करो अगर खलकों नूर के सेल जम पास करो जा अगर जिंदा हो मगर अच्छा करो तो नमाज़ वाली नमाज़ मेरा वाली नमाज़ बात शक्रिया नंद माँ मिनट السلام عليكم دايوتا يوسف سوا سوا سري النادي يا غير فاطمة ما بعد مير باري دايا نجون تاركي نانا بلو تجا تشناتي أزار سبو نانا برق لكن أنا تشناتي أسرم تجا لما نمي جمعب نمي إيجاب نمي أولياد أسكو تسي أولاد يجر لما ما فوزون كفاسي بي أولياد أكيرا بي تشناتي السلام عليكم दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है बलूचिस्तान में जिब्री गुमशुदगियों का मसला पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है और तूल पकड़ रहा है। एक तरफ ये माएं ये बेबस बहनें आपके सामने रोकर चीख पुकार कर अपना कलेजा पाड़ कर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए मुतालबा करते हैं। ये वो ग्राउंड रियलिटीज है जो मेन मीडिया में कभी भी नहीं दिखाए जाते। ये वो ग्राउंड रियलिटीज है, ये वो कड़वा सच है जो बलूचिस्तान कई अरसे से भुगत रहा है। आज बलोचों की नस्ल कुशी में दिन ब दिन तेजी आ रही है। मुख्तलिफ तरीकों से बलोच को इस धरती से मिटाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ एक और नैरेटिव बिल्ड किया गया है उन पेट के पुजारियों का जो अपने मफादात हासिल करने के लिए इन माओ और बहनों को जुटला रहे हैं। आज जिस तरह मेरी बहन सईदा ने कहा कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर या जितने भी बड़े औहदों पे वो लोग जो मिसिंग पर्सन की तादाद को सिर्फ 50 और 100 करार देते हैं, इसी वजह से इस ग्राउंड रियलिटी को इस नैरेटिव को डाउन करने के लिए उनको ये रियासत और प्रमोट कर रही है। अचकजई जैसे बंदे को कोई मिजाज चौक पे रेडी भी लगाने नहीं दे, सरफराज मुफ्ती जैसे बंदे को कोई अपना मुंशी भी नहीं रखे और वो एक सूबे का वजीर आला बनकर हमारी माओ और हमारी बहनों की तजलील कर रहा है। कल आपने सोशल मीडिया पे अगर एक क्लिप देखा होगा, बलूचिस्तान का एक छोटा सा बच्चा है, गालिबन टिकटॉकर है, वो पाकिस्तानी मीडिया से एक शिकवा करता है कि आप तमाम बच्चों को अपने ट्रांसमिशन में रमजान ट्रांसमिशन में दावत देते हैं लेकिन मुझे आपने नहीं बुलाया, क्या मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है इसलिए? तो इस पे जनाब इज्जत माफ चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन एक्शन लिया और उसको अपने चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाया, वीडियो बनाई और उन्होंने भी मीडिया पे दिया सिर्फ और सिर्फ चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए कि हम बलोचों के साथ हैं। अगर उनमें इतनी जुर्रत है, इखलाकियात है, तो आके इन बच्चों को
इन बच्चों के सर पे हाथ रखे जिनके बाप 8-8, 10-10 साल से लापता है। ऐ आपने इतनी जुर्रत कि आप इनके बाप को सर यहाँ पे ला सकते हैं, मंजर यहाँ पे ला सकते हैं। ऐ आपने इतनी इखलाकी जुर्रत कि आप इनको ओन करें। नहीं, बिल्कुल कतर नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीफ मिनिस्ट्री के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे बलोचिस्तान या बलोचों की सरजमीन का कोई वास्ता ही नहीं है। आज बलोचिस्तान में सबसे बड़ा मसला अगर है वो लापता अफराद का है, अगर कोई मसला है वो बलोच नस्ल खुशी का है। अगर आप इन मसलों पे हल कर सकते हैं, इन मसलों को आप हल कर सकते हैं, तब जाके बलोचिस्तान के लोग आपको ओन करेंगे। वरना आप एक डमी चीफ मिनिस्टर हैं और डमी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। दोस्तों, आज का एहतजाजी मुजाहरा लापता अफराद के लवाइकिन की तरफ से वॉइस ऑफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की तरफ से और बलोच एकजुटी कमेटी की तरफ से बुलाया गया था। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे लेकिन गले की तकलीफ की वजह से मामा आपके सामने कोई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफा की तरह मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। कुछ दिन पहले जो है ना, पहले तो मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, माओं बहनों तमाम सियासी पार्टियों का, तलबा तंजीमों का, सबका। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले कुद्दूस का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि 100 आदमी लापता है, इस बेशर्म को हम क्या बोले। इस वक्त जो लिस्ट मेरे पास है आवारान से सिर्फ 5,475 लोग लापता हो चुके हैं, सिर्फ आवारान डिस्ट्रिक्ट से। वो आज अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं जा सकता है इनकी वजह से, और कई लोगों को उठाने में उनका हाथ है, और कई लोगों को शहीद करने में इन्हीं कुद्दूस विजयों का हाथ है, और आज वो बैठ के नशे में सारा दिन सोया हुआ है, और जब होश आता है तो कहता है कि जी 100 आदमी। इससे पहले काकड़ साहब ने भी यही कहा था कि 50 है, और इसी तरह जानकी जी ने भी कहा था कि 50 है या 20 है, इनको अभी तक ये पता नहीं है। रोजाने की बुनियाद पे लोगों को अभी उठाया जा रहा है, कभी 100 भी उठाए, कभी 50 भी उठाए, कभी 20 भी उठाते हैं, तो इनको अभी तक ये तादाद भी नहीं है। आपको अपने ये जो बयान गलत बयान दे रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा शर्मानी चाहिए कि इस तरह बैठ के लापता अफराद की तादाद को आप कम करते हैं। आप आए मेरे साथ बैठे और मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान से 70,000 के करीब लोग लापता हैं और 20,000 के करीब मसरशुदा लाशों का लिस्ट मेरे पास है। तो आपको मैं इसे बता दूं, लेकिन आपको उनका एहसास नहीं है। आप अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं फिर शेर कहता हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी वो एहसास है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का।